स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार को सैमसंग और एप्पल समेत नामी कंपनी से 45,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। प्रस्ताव सौंपते ही इन कंपनीज ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग उठा दी। इस मांग को देखकर सरकार के फैसला करने से पहले यूपी ने अपने यहां रियल एस्टेट की इस बरसों पुरानी मांग को पूरा करने पर काम शुरू कर दिया है। देश के आर्थिक तौर पर मजबूत राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश अक्सर पीछे छूट जाता है, लेकिन अब ये राज्य बदल गया है। मसला चाहे चीन से आने वाली कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का हो या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की सिंगल विंडो क्लियरेंस ना होने की शिकायत, यूपी अब रेस में दौड़ना सीख गया है। देश विदेश की आने वाली कंपनियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस तो केंद्र सरकार के हाथ की बात है, लेकिन राज्यों के विषय में शुमार रियल एस्टेट के मामले में यूपी के सीएम योगी ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू करने की पहल कर दी है। बरसों बरस से इसकी मांग करने वाली रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। अभी सोची जा रही है जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अंदर लाया जाएगा। देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के बायर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स दोनों के लिए बहुत फायदे की बात होगी। प्रेजेंटली होता क्या है, कोई भी लैंड लेके जब उस पर प्रोजेक्ट को लॉन्च करना होता है तो उससे पहले आपको तरह तरह की मल्टीपल डिपार्टमेंट में जाके अप्रूवल लेनी होती है। इससे अल्टीमेटली बायर्स को भी ऑन टाइम डिलीवरीज मिलेंगी और कम रेट्स पे वो उनको ऑफर कर पाएंगे मार्केट में।